क्यों भाई श्रीनिवास, तुम ये नया बोर्ड क्यों लगा रहे हो? मेरा पोता आज आ रहा है, वो कलेक्टर बन गया है। हमारा ट्रेन को लेकर बाहर है। ये लीजिए। दादी, ये क्या किया तुमने? तुम पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों आ रहे हो? तुम तो कलेक्टर बनने गए थे ना? आईएएस के लिए नहीं, आईपीएस अप्लाई किया था। लेकिन ये बात हमसे क्यों छुपाई? मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। हमारे सिर पर बिजली गिरा दी है तुमने, मेरे दिल को तुमने दुख पहुंचाया है। किससे पूछकर पुलिस में भर्ती हुए? मसूरी में ट्रेनिंग खत्म करके फाइनल इंटरव्यू अटेंड करने गया था। मिस्टर रामस्वामी, कम इनसाइड। Are you Mr. Ramaswamy? Yes. Your father's name Arusami? Yes. You are selected in the first category. You are eligible to choose IFS, IAS, IRS and IPS too. IPS. IPS. What is your choice? IPS. उस वक्त मुझे लगा कि मेरे लिए पुलिस फोर्स ही सही है। कसम से मैं नहीं जानता था कि आप लोगों को इतना दुख होगा। मुझे पोस्टिंग भी मिली है, कल ही मुझे तिरुना वैली जाना है। हा? क्या कहा? तिरुनेल वैली जाना है? मेरी पोस्टिंग वही हुई है दादाजी। तुमने तिरुनेल वैली के लिए पोस्टिंग क्यों मांगी? मैंने नहीं मांगी दादू, उन लोगों ने ही मुझे दी। हे भगवान, तुम्हारी ये खाकी वर्दी भी नहीं चाहिए और ये तिरुनेल वैली भी नहीं चाहिए, तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम्हारे असली माँ बाप ये हैं। आरुसामी आईपीएस। ट्रांसफर लेकर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ के साथ ट्रिनेल वैली आ रहे थे। सामी के घर में ताला लगा हुआ है, पता नहीं वो कहाँ गया। हेलो सामी है? हेलो सामी है? कौन था फोन पर? पता नहीं कौन था, तुम सो जाओ। ठीक है। सामी कार में जा रहा है। तुम्हारे पिताजी के साथ काम करने वाले ऑफिसर ने तुम्हारे पिताजी को धोखा दिया। आप किस रूट से जा रहे हैं सर? मैं बाईपास रोड लेके हाईवे की तरफ जा रहा हूँ। ये लोग कौन है? तुम्हारे पिताजी ने उनका बहुत मुकाबला किया। तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी तुम उसके पेट में जिंदा थे। Oh.
हमें डर था कि तुम्हारे जिंदा रहने की खबर मिलते ही वो तुम्हें मार डालेंगे, इसीलिए तुम्हें हॉस्पिटल ले जाकर फिर हम लोग दिल्ली आ गए। हमारे पूरे परिवार के लोगों को रावण ने ट्रक से टक्कर मारकर खत्म कर दिया। जहां ऐसा हैवान रहता है वहां तुम जाना चाहते हो? बोलो, तुम वहां जाना चाहते हो? मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। रामस्वामी, आरुस्वामी। तुमने खाकी वर्दी पहनी मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी पोस्टिंग तिरुनेलवेली में हुई, ये कैसा संयोग है? ऐसा लगता है उस जगह का देवता तुम्हें वापस बुला रहा है। रामायण में 14 साल का वनवास था, महाभारत में 13 साल का वनवास था और 1 साल का अज्ञातवास था। दोनों को मिलाकर कुल 28 वर्ष होते हैं और इतने साल हम लोग अज्ञातवास में रह चुके हैं। रामस्वामी तुम्हारा नाम है और आरुस्वामी तुम्हारी पहचान। किसी भी कारण से अपनी पहचान को मत भूलना। तुम्हारे पिताजी किस जाति के थे मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारी परवरिश अपनी जाति में की। अब तुम्हें इस पहचान की जरूरत नहीं है। बोलो रावण। माई, यहां सब गड़बड़ हो रहा है। हमारा ट्रक ही हमारी गाड़ी को टक्कर मार रहा है। तुम्हारे खिलाफ लड़ने एक नया दुश्मन आ रहा है। खतरा काफी हो सकता है, लेकिन वो टल जाएगा। वेलकम सर। इस शहर में रावण नाम का एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उसके गैंग में ऐसा कौन सा आदमी है जो अक्सर हंगामा करने के बाद भी अरेस्ट नहीं होता? टाउन पांड्या नाम का एक आदमी है सर। लेट्स गो एंड अरेस्ट हिम। ओके सर। सर, ये तो अभी अभी आए हैं और रावण के गैंग से पंगा ले रहे हैं ये। हैप्पी बर्थडे भाई। कौन है वो एसीपी? उसकी इतनी हिम्मत के अंदर चलाया? कौन है वो पुलिस वाला जिसने 450 करोड़ का चूना लगाया? उसका फोटो मिल गया भाई, ये भेजिए। फोटो डाउनलोड हो रहा है भाई। फोटो क्या देखता है बे? मैं खुद यहां आ गया हूं। देख ले जी भर के। मेरा नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है। आरुस्वामी का बेटा रामस्वामी, सपने में भी नहीं सोचा होगा ना कि 28 साल बाद इतिहास दोहराएगा। तेरा बाप बुरा आदमी था, इसलिए मेरे पिताजी ने उसे मारा। लेकिन तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? मेरी माँ की इसमें क्या गलती थी कि तूने बेरहमी से उन्हें भी मार दिया? बेचारा, मेरे पिताजी की तारीफ करने आया है।
उस क्लोज किए हुए केस को फिर से ओपन करके तुझे और तेरे दोनों भाइयों को हथकड़ी पहना के चड्डी में पैदल चलाकर जेल ले जाने और वहां चक्की पिसवाने आया हूं मैं। ए, रावण हूं मैं, तेरी मौत हूं मैं, 10 सिरों का दिमाग है मुझमें, समझ गया? अगर तू रावण है तो मैं राम हूँ, और याद है ना, रावण का वध भी राम ने ही किया था। मेरी माँ की मौत के आधे घंटे बाद मैंने उसकी कोख से जन्म लिया है, उसकी एक वजह है, क्योंकि तेरा वध मैं ही करूंगा। अरे पुलिस! मैं पुलिस नहीं हूं, मैं गुंडा हूं। गन लेकर कहाँ जा रहे हो? रावण, बताइए तुम गन लेकर कहाँ जा रहे हो? हमारे इशारा पाते ही 1000 लोग उसे मारने के लिए आ जाएंगे। सांप जब भी दिखे उसे वहीं कुचल दो। 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है, मुझे सीएम के कैंडिडेट के लिए अनाउंस करने वाले हैं, तब तक कोई गलत काम नहीं करना है। अपने गुस्से पर काबू करो रावण। जाओ सब लोग, जुलूस निकालो। आप नहीं नहीं नहीं, आप उनके बेटे हैं क्या साहब? इतने दिनों तक कहाँ थे आप? आप कौन हैं? मैं आपके पिताजी का नौकर था बेटा, मुझे पता था कभी ना कभी आप लोगों में से कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, सोचकर रोज सफाई करता हूँ बेटा। ए, ए, तू यहाँ पर क्यों आ रहा है? जाओ जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा, चलो मैं नहीं जाऊँगा। इसने मेरे साहब को धोखा दिया था। क्या मैं सच्चाई नहीं बता सकता? सच्चाई क्या है बेटा? मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। बताया उस दिन क्या हुआ था? तुम्हारे पिताजी किस रास्ते से आ रहे थे उसने मुझसे पूछने के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। उन्होंने मेरी पत्नी को मार डाला और मुझे धमकी दी कि अगर मैं फोन नहीं करूंगा तो वो मेरे बेटे को भी मार डालेंगे। सर, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। मुझे सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई नहीं दे रही है सर। वो आवाज शब्द हमारा कोड वर्ड है। मैं चाहता था कि तुम्हारे पिताजी समझ जाए कि खतरा है, इसलिए मैंने 2-2 बार कहा कि आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, इसीलिए नहीं समझ पाए। आप मेरी एक मदद कर देंगे? बोलो बेटा, मुझे क्या करना होगा? पिताजी के साथ काम करने वाले जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर बाबू। सर। हेड कांस्टेबल धनराज। यस सर। इंस्पेक्टर मनोहर। यस सर। इंस्पेक्टर कुमार स्वामी। सर। 28 साल पहले रावण और उसके भाइयों ने मेरी माँ और पिताजी को मारा, और ये बात अब सभी जानते हैं। मैंने ये पेंडिंग केस फाइल की कॉपी त्रिवेणी नगर पुलिस स्टेशन से मंगवाई है। All fabricated evidence. मैं इस इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। अभी के पुलिस ऑफिसर्स इस केस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो 2 हफ्तों में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल सकता है। तुम्हारे पिताजी के केस में हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाए, इस बात का हमें दुख है बेटा। आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, ये तो हमारा फर्ज है। हम तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं सर। अपने अपने दिल पर हाथ रखे और वर्दी की इज्जत करते हुए मुझे सच सच बताइए, रावण क्या क्या काले धंधे करता है? कुछ दिनों पहले मैंने उसे मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए देखा था, वो कोई बड़ा कांड कर रहा है। अभी तक वो कहां कहां और कौन से स्टेट में गया, मुझे उसकी डिटेल्स चाहिए। और ये बताओ,
कि अभी फिलहाल यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या है। बिना किसी की परमिशन लिए रावण ने बीच सड़क में अपने बाप का पुतला बनवाया है। उस पुतले को हटाने के लिए बहुत लोगों ने कम्प्लेन किया सर, लेकिन कॉर्पोरेशन ने कोई ध्यान नहीं। और तो और सर, उस पुतले के सामने कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, 40 लोग स्पॉट पर ही मर चुके हैं सर। अगर हम उस पुतले को वहाँ से हटाते हैं तो रावण के लोग शहर में बहुत बड़े दंगे करवा सकते हैं। सर, पिछले 28 सालों से एक नालायक आदमी हमारे शहर को अपने कंट्रोल में रख रहा है। उस कमीने का नाम है रावण पिचई। उस हरामखोर ने हमारे डिपार्टमेंट के कई पुलिस ऑफिसर्स को उसके हाथ के नीचे की कठपुतली बना लिया है। उन लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, उसके बाद अपना ट्रांसफर ऑर्डर खुद मांग कर यहाँ से चले जाएं। जो भी इस पे यकीन करते हो कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों के हाथ काट देने चाहिए, सिर्फ वही मेरे पीछे आए। What's happening? JCB, Brooklyn, Breaker, सब आ चुके हैं सर। कलेक्टर को फोन लगाओ। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूँ और आप लोग किससे पूछकर ये पुतला तोड़ रहे हैं? इसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। पुतला हटाने का ऑर्डर दिखाइए मुझे। आई से शो मी द ऑर्डर्स। आप इसके यहाँ रहने का ऑर्डर मुझे दिखाइए, मैं आपको हटाने का ऑर्डर दिखा दूंगा। तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकते हो? आई एम एन आईएएस ऑफिसर, अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यू आर आफ्टर ऑल आईपीएस ऑफिसर ओनली। आई नो यू आर एन आईएएस विद अ बैचलर्स डिग्री। यू नो हु आई एम? I have an M in sociology and MPhil and PhD in political science. I not only passed in civil service examination, I have a goddamn gold medal. And I was eligible for the IRS, IPS, IFS and your IAS. Mujh mein kabliyat thi, but I preferred only IPS. Tumhare haath mein pen hai, usse kaam karo. Mere haath mein gun hai, main usse kaam karunga. Chal nikal yahan se. Hey! IAS ka dimag, IPS ka jigar. बोलो उसके कंधे। ए एसीबी, अगर तुमने पुतला हटाया तो मैं यहीं पर फांसी लगा लूंगा। ये सब रोको, रोको, कोई रोको। किसी ने भी रावण की बातों में आकर यहाँ हंगामा किया ना, तो मैं रस्सी में नहीं सीधे भेजे में गोली मारूंगा। मारो सबको। आप